यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, जिसे लेकर संवाददाता रजत सिन्हा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, कुछ ही समय में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। मेरे साथ इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं और उनके आवास पर, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनके आवास पर उनकी भीड़ है। पहला सवाल भूपेंद्र जी, यही किस तरीके से यूपी बीजेपी निकाय चुनाव को देख रही है? लोकतंत्र में सब लोग अपने विचारधारा, अपनी बात, अपने काम जनता के बीच में रखने का एक सशक्त माध्यम है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क और हमारे नेताओं की सक्रियता लगातार, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग लगातार अपने कार्यक्रमों, अपने अभियान, हमारे रचनात्मक काम, सेवा के काम, संगठन के काम, हमारे विचारधारा से जुड़े हमारे विषय, हम लगातार जनता के बीच में हैं। और निश्चित रूप से हमारी तैयारी है पूरी, हमने दिसंबर 2022 में भी हमारी पूरी तैयारी थी जब चुनाव आगे बढ़े, लेकिन अब माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी हम लोग अपने प्रत्याशी का चयन करके जनता के बीच में जाएंगे और अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड के साथ हमारी सरकारों ने नगरीय क्षेत्रों में क्या क्या काम किए हैं उन कामों को रखकर एक बार पुनः जनता से जनादेश मांगेंगे और मुझे विश्वास है कि भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। आपके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है निकाय चुनाव, और एक बड़ी चुनौती आपके लिए भी, कि उसे किस रूप में देख रहे हैं? संगठन का एक हमारे यहाँ प्रक्रिया है, संगठन की व्यवस्था है, और अध्यक्ष या कोई टीम के बदलने से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। हमारे असंख्य संख्या है विचारधारा से जुड़े लोग, ऐसे हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो विचार से जुड़े हैं और पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं, जनता के बीच में लगातार संबद्ध संपर्क बना हुआ है। तो ये परिवर्तन तो एक तत्कालिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करते हुए ये काम दिया गया है, लेकिन पूरी तैयारी है और अपनी बात जनता के बीच में कहेंगे और जो जो काम हमने किए हैं उसी आधार पर हम लोग जनादेश मांगे। क्या इसे 2024 का एक सेमीफाइनल माना जाए यूपी में? नहीं, हमारे लिए हमेशा अच्छा करना चुनौती होती है और बीजेपी हमेशा बेहतर करने के संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएगी। एक सवाल और, एक अभी कमेटी नई आपकी आ गई है, इस कमेटी पर कितना दारोमदार होगा निकाय चुनाव को लेकर के और लोकसभा? नई कोई कमेटी नहीं है, पार्टी के संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक है। सरकार बनी, कुछ लोग संगठन में चले गए, तो उन रिक्त स्थानों को भरने के लिए पुनर्गठन हुआ है, एक आंशिक पुनर्गठन है। संगठन का कार्यकाल 2024 जून तक है, तो हम सब मिलकर नए पुराने अनुभव के आधार पर, अपने क्षमता के आधार पर अच्छा परिणाम देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विभाग और प्रकोष्ठों का कि अभी को भी नई जिम्मेदारी मिलेगी? नहीं, धीरे धीरे बहुत आंशिक चीज़ें आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब संगठन का काम प्राथमिकता में है, लेकिन चुनाव प्राथमिकता में है। चुनाव मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोगों को चुनाव में जाना है, तो हमारी तैयारी है पूरी। क्या नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो डिप्टी सीएम हैं दोनों, उनको भी 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई, ऐसी सूचना? सारे लोग संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे सरकार के वरिष्ठ मंत्री हमारे डिप्टी सीएम हों दोनों, या सब लोग हैं, सारे भाजपा पूरी तैयारी के साथ एक संगठन में जो जो जिम्मेवारी जिसे मिलेगी हम उसे पूरी करते हुए अपना जो भी दायित्व हमें दिया उसे पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल और, क्या निकाय चुनाव में योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की उपलब्धियां भी जनता के बीच ले जाने का काम होगा? हाँ, निश्चित रूप से, हमने जो अच्छे काम किए ना जी, जो हमारे 9 साल के हमारी केंद्र सरकार के विषय हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे काम नगर निकायों में हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषयों, बहुत जो जो काम हमने राज्य ने, केंद्र ने हमारे किए, सबकी चर्चा करें। तो ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिनका कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी से जा रही है और इसमें जो है जो यूपी सरकार के, योगी सरकार के काम है उन्हें भी रखा जाएगा और साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के कामों को भी जनता के सामने रखने का काम किया जाएगा। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ रजत सिन्हा।